हे hey एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग हमारे सब डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर देखें ये क्या होता है इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं क्लिनिकल फीचर्स आपका डायग्नोसिस कैसे करते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं अगर मैनेजमेंट नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट एंड ये सारे नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं तो आप जरूर से वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो वहाँ से आराम से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं इसे अभी के लिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के टॉपिक को ठीक है तो सबसे पहले क्या होता था एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स वेन अ फर्टिलाइज एग ठीक है एक, एक फर्टिलाइज एग इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूटर कैविटी ठीक है उसको कहाँ पे होना था यूटरन कैविटी में उसको इम्प्लांट होना था कहीं उसके अलावा अगर कहीं और हो जाता है ठीक है वेर इट कैन नॉट डेवलप फर्दर इंटू अ वायबल प्रेगनेंसी तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं ठीक है तो मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं आपका ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं इसके अलावा भी और जगह होता है जैसे आपके ओवरीज में हो गया इम्प्लांट या सर्विक्स में इम्प्लांट हो गया या आपके एबडोमल कैविटी में हो गया इम्प्लांट तो ये सब क्या कंडीशन हैं आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकाउंट्स फॉर अबाउट वन टू टू परसेंट ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज ठीक है तो इसका ये अक्रेंस है अब बात करते हैं कि कौन कौन या किसे किसे हो सकता है ये आपका आ, इसके यू नो एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे कैसे हो सकता है तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी ट्यूबल सर्जरी जिसकी ट्यूबल कुछ सर्जरी हो रखी है ठीक है तो उनमें ये कंडीशन यू नो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जैसे पी हो डैट इज़ पेल्विक इन्फ्लेटरी डिजीज हो उनमें हो सकता है प्रीवियसली आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रखी है ठीक है तो इसका चांसेस बहुत होते हैं कि रिपीट हो कंडीशन ठीक है देन आपको ठीक है एंडोमेट्रियोसिस हो उसमें भी हो सकता है यूज़ ऑफ़ अस्टेड रिपोर्टरी टेक्नोलॉजीज आई वी एफ यूज़ किया है ठीक है इन्वीट्रो फर्टिलइजेशन है उसके बाद मैनअल इम्प्लानशन हो रहा है आपके यू नो फर्टिलइज एक्ट का तो उस कंडीशन में भी हो सकता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर यूज़ करते हैं उस कंडीशन में हो सकता है देन एडवांस मेटरनल एज ठीक है अगर मोर देन थर्टी फाइव ईयर्स एज है ठीक है पेशेंट की तो उसमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एंड फाइनली आपका अगर ट्यूबल लाइगेशन कर रखा है या स्टेलाइजेशन कर रखा है तो ये उस केस में भी हो सकता है ठीक है अपने अपने ट्यूब ही ब्लॉक कर दिया लेकिन वो ट्यूब खुल गई ठीक है कभी कभी क्या होता है इसका ट्यूब वापस से रिकनेक्ट हो जाती है तो ईजिली वो आगे जाके ओवरी में भी जा चला जा सकता है ठीक है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है ठीक है किसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बात करें इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की जिसमें हम सिम्टम्स देखने वाले हैं तो एक अर्ली सिम्टम्स होता है और एक एडवांस सिम्टम्स होते हैं अर्ली सिम्टम्स वो क्या क्या मिलता है कि एब्डोमिनल पेन होगा ठीक है ऑफ्टन शार्प एंड लोकलाइज टू वन साइड देन वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी जिसमें लाइट स्पॉटिंग से लेके हैवी ब्लीडिंग तक हो सकती है ठीक है एंड फाइनली एन एमेनोरिया भी हो सकता है जैसे पीरियड्स मिस हो गए तो वो कंडीशन भी डेवलप हो सकती है तो ये सब तो हो गए आपके अर्ली सिम्टम्स लेकिन अगर यही चीज़ कंटिन्यू होती रही तो एडवांस सिम्टम्स में हमें क्या क्या मिलेगा एक तो सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेगा ठीक है शोल्डर टिप पेन ठीक है यहाँ पे शोल्डर छूट गया लिख देता हूँ ठीक है तो क्या होगा आपका शोल्डर टिप पेन हो जाएगा एंड डिजीनेस फेंटिंग और शॉक की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है तो ये सब क्या हो गया आपके एडवांस सिम्टम्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि या इट इज़ अ कंडीशन ऑफ़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो इसमें हम लोग आपके ट्रांस वेजैनल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं जिसमें या तो एबसेंस ऑफ एनी इंट्रा यूटर्नल प्रेगनेंसी हमें पता चल सकता है या प्रेजेंस ऑफ एनी मास ऑफ फ्री फ्लू इन द पेलवेस ठीक है इससे पता चल सकता है किससे आपका ट्रांस वेजैनल अल्ट्रासाउंड से यू से देन आपका सीरम एच लेवल हम चेक कर सकते हैं कि इट इज़ लोअर देन द एक्सपेक्टेड फॉर गेसेंशियल एज या एच सी जी लेवल दैट डू नॉट डबल एवरी फोटी एट आवर्स एज एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी ठीक है मतलब अगर आपके देखो ट्वेंटी फो फोर्टी एट आवर्स या ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद भी अगर आप डबल नहीं हो रहा है अमाउंट किसका एस सी जी का तो इससे कंडीशन हम समझ सकते हैं इट कुड भी एक्टोपिक प्रेग्नेंसी ठीक है देन डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी आप कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट विजुलाइजेशन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हम कर सकते हैं तो ये तो हो गया आपके मैथड्स ऑफ डायग्नोसिस बात करें इसके मैनेजमेंट की ठीक है अगर ये हो जाता है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे आप ठीक है अगर आपने डायग्नोसिस करके देख लिया कि या इट इज अ कंडीशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो उसको मैनेज कैसे करेंगे तो उसमें सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं आपका मैथोट्रैक्सेट होता है तो इट इज मेडिकेशन क्या होता है इसमें कि अफोलिकल एसिड एंटोगोनिस्ट दैट इनहिबिट्स डी एन ए सेंथेसिस ठीक है इफेक्टिव इन अर्ली एंड अनरपचर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसीज ठीक है तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं जो क्या करता है कि आपके जो डीएनए सिंथेसिस रोक देता है उस यू नो इन फर्टिलाइज एग का ठीक है एंड इट इज इफेक्टिव इन ओनली इन अर्ली एंड अनरपचर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक है इसके अलावा जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जिसमें हम अपना सेल्फिंग और टेमी जिसमें आप क्या करते हैं रिमूवल ऑफ द एफेक्टेड फेलोपियन ट्यूब यूजअली परफॉर्म्ड इफ द ट्यूब इज रपच्चर्ड और डैमेज ठीक है देन का नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका सेल्फिंगोस्टोमी जिसमें आपका इंसीजन मेड इन द फेलोपिन ट्यूब टू तो रिमूव द एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाइल प्रिजर्विंग द ट्यूब ठीक है इसमें तो ट्यूब ही पूरे हटा देते हैं वो जो पार्ट अफेक्टेड है उसको हटा दिया लेकिन इसमें पर कहते हैं एक एक इंसीजन मार के आपके फेलोपिन ट्यूब से उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को निकाल के आपके ट्यूब को वापस प्रिजर्व करके रखते हैं ठीक है ताकि उसका यू नो पूरा रिमूवल करना ना पड़े आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करा सकते हैं ठीक है एंड लेप्रोक्टोमी हो सकता है जिसमें रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट इंट्रा इंट्रापडोमिनल ब्लीडिंग और अनस्टेबल पेशेंट तो उसमें आपको ये वाली प्रोसीजर पे जाना पड़ेगा लेप्ट्रोक्टोमी ठीक है तो ये सब तो हो गया मैनेजमेंट अगर आपने मैनेजमेंट भी नहीं किया ठीक है तो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीस डेवलप हो जाएंगे अब कॉम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं आपके ट्यूबल रप्चर हो सकता है दिस लीड्स टू मैसिव इंट्रा इंट्राडोमिनल ब्लीडिंग एंड रिक्वायर्स इमरजेंसी सर्जरी ठीक है तो ये हो गया आपका ट्यूबल रप्चर uh, की कंडीशन में तो ये आपका हेमराजिक शॉक तो ड्यू टू तो इंटरनल ब्लीडिंग ठीक है इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है तो हेमोराजिक शॉक आ सकता है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है क्योंकि अगर आपको यू नो रपच्चर ही हो गया फेलोपिन ट्यूब तो आपको निकालना पड़ेगा तो ड्यू टू डैमेज और रिमूवल ऑफ फेलोपिन ट्यूब इनफर्टिलिटी कंडीशन डेवलप हो सकती है एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्यूचर एक्टोपिक प्रेगनेंसीज ठीक है ड्यू टू अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स और ट्यूबल डैमेज फ्यूचर में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कंडीशन यू नो डेवलप हो सकते हैं तो ये तो था आपका पूरा टॉपिक एक टॉपिक प्रेग्नेंसी के ऊपर आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं बाकी ये नोट्स हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो आपको कैसा लगा वीडियो यार प्लीज़ जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना आ, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय